काम चोर देवरानी। एक बार की बात है, सुषमा अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी मोहन नगर में रहती थी। उसकी दो बहुएं थी, पल्लवी और शिवानी। एक दिन दोनों बहुएं रसोई में काम कर रही होती है कि तभी उनकी सास सुषमा उन्हें बुलाती है। अरे बहू, जरा इधर तो आना। शिवानी, जरा जाकर देखना सासुमा क्या कह रही है। दीदी, आप ही देख लो ना जाकर, आपको भी तो सुनाई दे रहा है। अरे मैं आटा गूंद रही हूँ ना, तुम चली जाओ। हाँ तो मैं भी तो सब्जी काट रही हूँ ना दीदी। अरे बहू जल्दी आओ। ओ, ये तो जाएगी नहीं, मैं ही जाकर देखती हूँ कि क्या करना है। पल्लवी सुषमा के कमरे में जाती है। जी मम्मी जी, क्या हुआ? शाम को घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो तुम अच्छा सा खाना बना लेना बहू। ठीक है मम्मी जी, आप बता दीजिए क्या क्या बनाना है और कितने लोग आ रहे हैं। सुनील की मौसी जी और उनका पूरा परिवार आ रहा है, कुल मिलाकर 3 लोग और हमें मिलाकर हुए 9 लोग। तो अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दो और हाँ, घर की सफाई भी कर देना हाँ अच्छे से। जी मम्मी जी, सब काम हो जाएगा, अब चिंता मत कीजिए। पल्लवी शिवानी को घर में मेहमान आने वाले हैं इसके बारे में बताती है। क्या 9 लोगों का खाना बनाना होगा, घर की सफाई करनी है? बाप रे, सासू माँ ने तो हमें घर की नौकरानी ही समझ कर रखा है। ऐसा नहीं बोलते शिवानी, हम इस घर की बहू हैं और घर के काम करना हमारा फर्ज है। दीदी तो है ही सासू माँ की चमची, जब देखो सासू माँ सासू माँ। मैं तो इतना सारा काम नहीं करने वाली। शिवानी कपड़े लेकर गमला साफ कर रही होती है और चक्कर आने का नाटक करने लगती है। अब मेरा सर चकरा रहा है। तभी वहाँ पल्लवी और सासू माँ जाते हैं। अरे बहू, क्या हो गया तुम्हें? मम्मी जी, बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है। तुम एक काम करो शिवानी, आराम कर लो। नहीं नहीं दीदी, घर में मेहमान आने वाले हैं, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। अरे कोई बात नहीं शिवानी, तुम आराम कर लो, मैं सब काम कर लूंगी। ठीक है दीदी, अगर आप इतना कह रही हैं तो आराम कर लेती हूँ। शिवानी आराम से अपने कमरे में मैगजीन पढ़ रही होती है। इसे कहते हैं आराम की जिंदगी, इतना सारा काम। चलो सारा काम खत्म हो गया, शिवानी को देख आती हूँ। शिवानी अपने कमरे में ईयरफोन में गाने सुनते सुनते सो जाती है और उसके साइड में मैगजीन भी रखी होती है। पल्लवी वहाँ आ जाती है और वो सब देखती है। ओहो, तो मतलब सब काम चोरी का बहाना था। अभी बताती हूँ इसको, घर का सारा काम मुझे करना पड़ा और ये महारानी यहाँ मैगजीन पढ़ रही है, गाने सुन रही है। पल्लवी रसोई से एक प्लेट और चम्मच लेकर आती है और शिवानी को थाली बजाकर उठाने लगती है। शिवानी अचानक से उठती है। उठ गई महारानी, गाने भी सुन लिए, मैगजीन भी पढ़ ली, तुम तो बहुत बड़ी झूठी निकली शिवानी। तुमने सर दर्द का बहाना बनाया ताकि काम करने से बच सको। हाँ बनाया बहाना, तो क्या करती इतने सारे काम करती? मुझे कोई शौक नहीं है चापलूसी का। क्या चापलूसी? तुम्हें लगता है कि मैं सारे काम चापलूसी के लिए कर रही हूँ? और नहीं तो क्या। तभी वहाँ सासू माँ आ जाती हैं। अरे बहू, वो लोग बस आने ही वाले हैं, तुम तैयारियाँ कर लो। जी सासू माँ, तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। सब खाना खाने बैठते हैं और खाना शुरू करते हैं। तभी सुनील की मौसी बोलती है। वाह भाई वाह, खाना तो बहुत ही अच्छा बना है सुषमा जी, एक एक चीज में क्या स्वाद है। ये सुनकर शिवानी मुंह बना लेती है, उसे अपनी जिठानी की इतनी तारीफ राज नहीं आती। आपकी बहुएं तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ बनाती तो दोनों ही अच्छा है, पर आज ना ये सारा खाना बड़ी बहू ने बनाया है, छोटी बहू की तबीयत ठीक नहीं थी सो इसलिए। मानना पड़ेगा सुषमा जी, आपकी बड़ी बहू तो बहुत ही गुणवान है। पल्लवी की तारीफ सुनकर शिवानी को जलन होती है।
पल्लवी ये सुनकर खुश हो जाती है और शिवानी की तरफ देखकर उसे चिढ़ाती है। कुछ देर बाद मेहमानों के जाने का वक्त हो जाता है। मौसी जी सबके लिए उपहार लाई होती है, वो सबको शगुन के पैसे देती हैं और अंत में पल्लवी के पास आती है। तुम्हारे लिए शगुन का लिफाफा तो है ही, पर बहू तुम्हें एक और उपहार भी मिलेगा इतना अच्छा खाना बनाने के लिए। मौसी अपने सोने के कंगन निकालकर पल्लवी को पहना देती है। ये लो, ये मेरे मन पसंद कंगन है, अब से ये तुम्हारे हुए। धन्यवाद मौसी जी। ये देखकर शिवानी तो पूरी तरह से जल जाती है और गुस्से से रसोई में चली जाती है। तभी वहाँ पल्लवी आ जाती है और उसे अपने कंगन दिखाने लगती है। देवरानी जी, अब आपका सर दर्द ठीक तो है ना? मुझे लगता है कि अब सर दर्द शुरू हो गया होगा आपका।